हिंसा। 4 महीने बाद जेल से रिहा हुआ मंत्री का बेटा आशीष मिश्र मीडिया को चकमा दे पिछले गेट से निकला। पीलीभीत थाना बीसलपुर क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय के 11वीं की छात्रा के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना विद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट की टीमों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। SHO बीसलपुर, CO बीसलपुर तक पहुंच गए और उसको वीडियोग्राफी और सारे करके फील्ड यूनिट बुला के उसको फोरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा करने के बाद पोस्टमार्टम में तो बॉडी को भेजा जा रहा है। पैनल से, डॉक्टरों के पैनल से और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम हुई। जो भी पोस्टमार्टम में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में सपा मुखिया पर बरसे अमित शाह, कहा अखिलेश ये बताएं कि इत्र वाले मित्र उनके लगते क्या हैं। आगरा ताजमहल में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे विहिप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, थाने में बैठाया। शाहजहांपुर में सपा के पोलिंग एजेंट की गोली मारकर हत्या, भाजपा नेता घायल। गुरुग्राम बुरका पहनी विदेशी महिला ने टैक्सी चालक पर चाकू से किया हमला। दिल्ली युवती पर टिप्पणी करने पर आपस में भिड़े दो पड़ोसी, 3 घायल, मामला दर्ज। ऋषिगंगा आपदा, तपोवन टनल से मिला शव, 1 साल बाद फिर ताजा हुए लोगों के जख्म। अखिलेश यादव बोले, 2 चरणों के मतदान के बाद गर्मी निकालने की धमकी देने वालों की भाप निकल गई। कासगंज में बोले सीएम योगी, भाजपा सरकार में अपराधियों पर न रहम हुआ और न होगा।